रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इल्म-ए-इज़ाफ़े की दुआ। आप सब मेरे साथ पढ़िए इल्म-ए-इज़ाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। वेरी गुड। ओके बच्चों, ये है हमारा उर्दू की वर्क बुक। ये हमारी उर्दू की वर्क बुक है, ठीक है, आप सबको पता है ना। आज हम इससे पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम इससे पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 19, पेज नंबर 19। और आज हम न्यू सबक पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा? मुज़क्कर मौअन्नस। आज का उनवान क्या है हमारा? मुज़क्कर मौअन्नस। मुज़क्कर मतलब लड़का, मौअन्नस मतलब लड़की। बच्चों देखिए पेज नंबर 19, सफ़ा नंबर 19। सबसे पहले हम डालेंगे तारीख और इधर डालेंगे हम दिन, ठीक है। मुज़क्कर मौअन्नस, मुज़क्कर मौअन्नस। मुज़क्कर का मतलब क्या होता है आपको पता है? मुज़क्कर हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? मुज़क्कर हम मेल थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। मुज़क्कर हम मेल थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पे भी किसी लड़के का जिक्र होगा हम मुज़क्कर में लाएंगे, ठीक है। और मौअन्नस हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, गर्ल्स के लिए। अब देखिए अब्बू, अब्बू के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अब्बू मुज़क्कर है या मौअन्नस है? मुज़क्कर, ठीक है। अब्बू हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे, लड़का, भाई, ये सब क्या होंगे? मुज़क्कर। और मौअन्नस कौन सी चीज़ें होंगी? लड़की, दादी, नानी, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें काम करना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है? अब्बू, ये मुज़क्कर है। अब हम इसका मौअन्नस क्या लिखेंगे? अम्मी। ये देखें, ये लिखा हुआ है अम्मी, हम इधर लिख देंगे अम्मी। अलिफ मीम छोटी है, मी अम्मी, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है? लड़का, लड़का लिखेंगे हम लड़का। और लड़के का मौअन्नस क्या होगी? लड़की। दादा, दाला लिखता, दाला लिखता, दादा, इसकी मौअन्नस में क्या आएगा? दादी, ठीक है। नाना, नूना लिखना, नूना लिखना, नाना, और इसके मौअन्नस में आएगा नानी। अब ये देखिए तोता, तेवा तुएवा तो तुएं लिखता, तोता, ठीक है। और तोती का क्या हो? तोती हम कैसे लिखेंगे? तुएवा तो तुएं छोटी है, ती तोती, ठीक है। आप लोगों को इसी तरीके से काम करना है। अभी हम एक दफ़ा और पढ़ते हैं। अब्बू अम्मी, लड़का लड़की, दादा दादी, नाना नानी, तोता तोती। दोबारा से पढ़िए मेरे साथ। अब्बू अम्मी, लड़का लड़की, दादा दादी, नाना नानी, तोता तोती। वेरी गुड, ठीक है बच्चों। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।